अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ खिज़र और आप देख रहे हैं खिज़र स्टूडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल न्यू वर्जन 2017 में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारा चैनल खिज़र स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्नैप नामी ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है, इसलिए मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आप न्यू हैं तो आपसे ये जीमेल की आईडी मांगेगी, आप उसमें लॉगिन करेंगे तो फिर आपसे ये इस तरह का कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इससे आप रीड क्लिक करेंगे तो ये सामने आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी, जो जिस कैटेगरीज में आप अपना ऐप्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट, ब्लॉग, बिजनेस या इवेंट्स। मैं बिजनेस से बनाना चाहता हूँ, इसलिए बिजनेस सेलेक्ट करूँगा। लेट्स बुलेट में आप क्लिक करेंगे तो सर्चिंग होगी। सर्चिंग होने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने जो भी आप अपने ऐप से पिक्चर लगाना चाहते हैं वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, मैंने पिक्चर अपलोड कर रखी, मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। लेकिन जब आप अपना ऐप्स खुद बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करें, तब देखने वाले को बिल्कुल अच्छा लगे। सबसे पहले आप अपना पेज का ऐप्स का नेम रख लें, मैं रख लेता हूँ एप्स APK। ठीक है, उसके बाद आपने वो डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट ऐप 2K17 मस्ट वॉच। ठीक है, लिखने के बाद आपने नेक्स्ट नहीं जाना है। पहले तो पहले वर्जन में तो ये रहता था कि आप नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट ऐप नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन अब न्यू वर्जन में तो इसी पेज में आप नीचे चले जाएंगे, टाइटल में जाना है आपने। ठीक है, देखें एडिट पैराग्राफ, इधर ही आपने लिख देना है द माई न्यू एप्स APK। जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपने खुद जो आप डिस्क्रिप्शन में टाइटल में लिखना चाहते हैं आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप टाइटल में जाएंगे, पैराग्राफ। ठीक है, ये देखें टैब टाइटल टाइटल आ गया। टाइटल में आप जो भी ऐप का नाम रखना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ माय न्यू एप्स APK 2K17। ठीक, लिखने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे सिलेक्ट लिंक, आप अपनी कुछ भी वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, डिस्प्ले टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, लिंक पर डन करते हैं। ठीक है, जब आप फुल सेटिंग अपनी ऐप्स की कर लें तो आपने जस्ट ठीक है इसको रिप्लेस
कर देना है, ठीक है। रिप्लेस करने से आपकी ऐप्स ओपन हो जाएगी, फिर आपने स्नैप में जाना है, इसको फिर ओपन करना है, तो ये आपसे कुछ पूछेगा। थोड़ा सा नेट भी स्लो हुआ था इसलिए हम मदद खुआएँ। देखें स्नैप अब रिप्लेस करेंगे तो आपसे कुछ इस तरह, आप इधर अपनी ऐप्स की फिर एक पिक्चर अपलोड करें जो आप फ्रंट पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहे आप अपने पेज को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से एडिट करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखें ठीक है, दोबारा से आप शेयर करना चाहते हैं या आप पब्लिश कर दें, ठीक है, मैं इसको अब पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने से फिर आपने ये आपसे माई बिजनेस फाइल माई एप्स APK, ठीक है, उसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये इंग्लिश इंग्लिश या फिर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। बिजनेस की कैटेगरी थी आपकी, डिस्क्रिप्शन में लगते हैं, मैं लेता हूँ माय फर्स्ट ऐप APK प्लीज मस्ट प्लीज मस्ट ओपन, ठीक है। अपने फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं आप, सिलेक्ट इंडस्ट्री जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, फूड जिस बिजनेस में आप लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं बुक्स एंड मैगजीन में दे देता हूँ बुक्स एंड मैगजीन में दे देता हूँ। फिर आपने एक और देना है, देखो सिटी दे दें, मैं लाहौर का दे देता हूँ, वैसे मैं लाहौर का हूँ नहीं लेकिन मैं दे देता हूँ लाहौर का। ठीक है, देने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे तो आपकी ऐप्स बन जाएगी और पब्लिश हो जाएगी, फिर आपको पब्लिश हो जाएगी तो वो आपको बोलेगा कॉन्ग्रेट्स, फिर आपकी ऐप्स पब्लिश हो जाएगी तो इंशाल्लाह एक दिन के बाद आपको वो ईमेल में मैसेज कर देगा कि आपकी ऐप्स पब्लिश हो गई और आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और हमारे चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो के बारे में पता चल सके। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वीडियो मैंने क्यों छोड़ दी, वीडियो इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये नंबर कोडिंग मैगजीन्स इस स्टील ये पता कर रहा है, क्योंकि ये मैं अपना डाल दूँगा तो इसलिए न्यू ऐप्स बन जाएगी और वो दोबारा मैं ऐप्स वो नहीं बना सकता। इसीलिए जस्ट आप जो भी न्यू ऐप बनाएं तो आप अपनी कोडिंग स्ट्रीट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी तक इतनी ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।